आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी में। भाइयों अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी की अपडेट आपको बता रहा हूं भाइयों, जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो दोस्तों, और उनका सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक खबर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बनना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। अपडेट में आपको पूरा बताऊंगा भाइयों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। शिक्षक बनकर विद्यार्थियों को शिक्षित करने का सपना संजोए सैकड़ों अभ्यर्थी नियमों के फेर में पढ़कर बाहर हो गए हैं। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी, पास भी हुए, चयन सूची में नाम आया, दस्तावेज अपलोड भी हुए, लेकिन अंतिम चयन सूची से इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। इसका कारण भी बताया गया है, विभाग ने जो कारण बताया उसमें एक कारण तो यही है कि अभ्यर्थियों की शादी 21 साल से पहले हो गई थी। दूसरा कारण यह है कि अभ्यर्थियों के तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ था। इसके अलावा और भी कई कारण हैं, लेकिन उक्त दो कारण ऐसे हैं जिसके कारण अधिकतर उम्मीदवार बाहर हुए हैं भाइयों। गौरतलब है कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इनकी लिस्ट जारी की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 189 लोगों को बाहर किया गया है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 696 को अलग अलग कारणों से भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया गया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से किसी उम्मीदवार को 21 वर्ष से आयु कम होने के अलावा इसलिए बाहर होना पड़ा कि उम्मीदवार के यहाँ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ, संदेह पद मार्कशीट बनी कारण। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी थे जिन्होंने हाई स्कूल 11 वर्ष की आयु में पूरी कर ली थी, इससे मार्कशीट संदेहजनक मानी गई है और उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा स्नातक की डिग्री संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं की गई है, यानी मार्कशीट फर्जी निकली, एक साथ दो रेगुलर डिग्री प्राप्त करने के कारण भी भर्ती से बाहर होना पड़ा। ये भी बने कारण, उक्त कारणों के अलावा अंग्रेजी हिंदी शायद विभिन्न विषयों में स्नातक की डिग्री मूल विषय में नहीं होने से गणित विषय के शिक्षक के लिए बीसीए के सभी सेमेस्टर में गणित ना होने से एक सत्र में एक डिग्री और एक डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में शामिल होने, उम्मीदवार के पास जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होना, उम्मीदवार के स्नातक 50% से कम अंक होने, अतिथि शिक्षक के स्कूल और नियमित डिग्री के लिए कॉलेज का अलग अलग स्थान होना शामिल है। तो दोस्तों इस कारण से कई उम्मीदवार बाहर हो चुके हैं। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को नमस्कार, जय श्री राम।